झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने जो आपका इस बार एग्जाम ले रही है क्लास 8, 9, 10, 11th और 12th का, तो आपका जो एग्जाम है वो दो टर्म में ले रही है और पिछले साल भी दो टर्म में लिया गया था, लेकिन पिछले बार जो दोनों टर्म का एग्जाम है वो एक दिन ही ले लिया गया था, लेकिन इस बार जो आपका एग्जाम पैटर्न और साथ में एग्जाम सिलेबस भी निकाल दिया गया है दोनों टर्म के लिए, और आपका जो एग्जाम पैटर्न रखा गया है वो दोनों टर्म का एग्जाम पैटर्न सेम रखा है, लेकिन यहाँ पर जेक और जेक के कुछ अधिकारी इसका विरोध में उतर आई है। जेक के कुछ अधिकारियों का कहना है कि जो एग्जाम है 8वीं का, 9वीं का, 10वीं का, 11वीं का और 12वीं का, तो इसे दो टर्म में ना लेकर एक टर्म में ही लिया जाए, और इसके पीछे का जो मुख्य कारण बताया है कि जेक सबसे पहला नंबर पे बताया है कि अगर एग्जाम को दो टर्म में लिया जाता है तो इससे जेक का खर्च भी बढ़ेगा। जेक के खर्च के साथ साथ इसमें जो भी टीचर आपका क्वेश्चन को चेक करने जाते हैं, क्वेश्चन पेपर को चेक करने जाते हैं, तो उसका भी इसमें टाइम लगेगा। साथ में जेक का यह भी कहना है कि बहुत सारे विद्यार्थियों का अभी तक सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके बावजूद भी एग्जाम को दो टर्म में लिया जाता है। ऐसे में जो झारखंड के शिक्षा मंत्री है श्री जगन्नाथ महतो, तो उन्होंने अपनी आवास में एक मीटिंग बुलाया है, एक बैठक बुलाया है, जिसमें जेक के अधिकारी सचिव भी शामिल होंगे, और इसमें गुरुवार को फैसला लिया जाएगा कि आपका जो एग्जाम वो दो टर्म में लिया जाता है या एक टर्म में लिया जाता है। इसी मीटिंग के बाद ही आपको क्लियर मालूम चलेगा कि आपका एग्जाम कितना टर्म में होगा, लेकिन यहाँ पर मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ कि आपका जो एग्जाम है वो कितना टर्म में होगा। तो देखिए, अभी तक जेक इसके बारे में कुछ नहीं कहा है कि आपका एग्जाम जो है वो कितना टर्म में होगा। जो जेक ने ऑफिशियली तौर पे कहा था कि आपका एग्जाम दो टर्म में होगा, तो आपको दो टर्म में ही एग्जाम को लेकर चलना होगा, क्योंकि जेक एक बार सिलेबस जारी कर दी है, पैटर्न जारी कर दिया है, अगर इसमें कोई और फैसला आता है तो उसको भी वीडियो के माध्यम से उसका भी जानकारी आपको चल जाएगा, लेकिन अभी आप यह मानकर चलिए कि आपका एग्जाम दो टर्म में ही लिया जाएगा, क्योंकि CBSE के साथ साथ जितने भी बोर्ड है वो इस बार अपना एग्जाम दो टर्म में ले रही है, और इसका जो बैठक है अप्रैल में करके, एग्जाम के बाद करके यह फैसला लेगी कि नेक्स्ट टाइम से जो एग्जाम है वो एक टर्म में लिया जाएगा कि दो टर्म में लिया जाएगा। तो आप जितने भी न्यूज में सुन रहे हैं कि आपका जो टर्म में एग्जाम को कैंसिल करके एक टर्म में कर दिया गया है, तो आप कोई भी न्यूज में अभी बिलीव मत कीजिए जब तक जेक की तरफ से कोई भी ऑफिशियली नोटिफिकेशन या खबर नहीं आ जाता है। तो आज की इस वीडियो में जितना भी इन्फॉर्मेशन था मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।